नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों सीटेट जुलाई सेशन 2019 जो कि आपका आप जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई इसकी डेट दी गई है। इसमें हुआ है एक थोड़ा सा चेंज जो मैं आपको यहां बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अगर आपको सीटेट का पूरा सिलेबस पढ़ना है, सीटेट और पेडागोजी की हर विषय की तैयारी करनी है, तो वो सारा मटेरियल मैंने अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दिया गया है। तो उसका लिंक यहां मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हमारी ई बुक तैयार है। इसके अलावा काफी सारा मटेरियल, अगर वो ई बुक नहीं लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी है और वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहां नीचे दिया हुआ है। तीसरी बात, मनोविज्ञान और पेडागोजी के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो कंपटीशन बॉस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दिए हुए हैं उसमें भी उसके वीडियोस के लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और रही बात सीटेट इंपोर्टेंट बुक्स की, तो ये बुक्स, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, काफी अच्छा आपका रिस्पांस मिला है, 2.5-3 लाख से अधिक उस पर व्यूज हैं। तो आप उस वीडियो को देख लें और अच्छी सी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं जो लास्ट टाइम पे भी आपके काम आ सकती है, क्योंकि वहां मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बताया है। उस वीडियो का लिंक भी यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं आज के वीडियो पर और इसमें क्या चेंजेज हुए हैं सीटेट जुलाई 2019 के सेशन में, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो तैयारी आपकी सबकी अच्छी है, आपको सबसे पहले मैं ऑफ लक ही कहूंगा। दूसरी बात, इसमें चारों सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है या नहीं ये आप बेटर जानते हैं, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आप गलती करने वाले हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट होता है इसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है वो लैंग्वेज का है, जो तीसरा पार्ट है वो भी लैंग्वेज का है, यहां भी आपके 30-30 क्वेश्चन हो गए, लेकिन पेडागोजी जो है आपकी इस लैंग्वेज में भी आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज पे फोकस करने के साथ साथ आपको उस लैंग्वेज की पेडागोजी भी देखनी है। चौथा पार्ट जो है वो आपका आता है सब्जेक्ट का, जो 60 नंबर का होता है। इस प्रकार आपके ये 150 नंबर है, कम से कम आपको 60% यानी कि 90 नंबर तो लाने ही है। ये तो केवल पासिंग मार्क्स है कि आपको आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी यहां नहीं मिलती। सिलेक्शन की गारंटी आपको तब मिलेगी जब आप 110 प्लस नंबर लेकर के आएंगे। तो आपका टारगेट 110 और 15 के ऊपर ही रहना चाहिए, इससे डाउन आप जाते हैं तो केवल सीटेट का सर्टिफिकेट ही आप हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर किस तरीके से आपको लाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज चुने, फर्स्ट और टू, वहां आपकी लैंग्वेज पर कमांड होती है ऐसा माना जाता है। तो वहां आपको आपके जो है कम से कम भी उसमें से 15-15 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 11 से लेकर के 12-13 तक सही होने चाहिए। अब इसका बाकी पार्ट आपका पेडागोजी का आएगा, हो सकता है 10 क्वेश्चन पेडागोजी आए या 12 क्वेश्चन पेडागोजी आए या 15 पूरे आ जाएं, तो ये फ्लक्चुएशन चलता है इसमें। तो पेडागोजी वाला पार्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, वहां आपको कम से कम 40-45 नंबर लाना ही है। इससे कम अगर आप लाएंगे तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, सीटेट सर्टिफिकेट केवल आपके काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आई फर्स्ट पार्ट की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो इसमें आपको विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, साथ साथ एनसीएफ। कई कमेंट मैंने देखा कि एनसीएफ का मैटर सर नहीं मिल रहा है, तो मैंने जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें बड़ी आसानी से आप एनसीएफ का लिंक जो है वो देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है। दूसरा, आईटीई के काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसका अलग से क्वेश्चन सेट बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सारा मैटर आपको यहां केवल और केवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। केवल 2 दिन इसको दीजिए, ढंग से पढ़िए, प्रिंट लेकर के आप पढ़ सकते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें चेंज की। तो देखिए, चेंज जो हुआ है वो ये हुआ, अभी हाल ही में एक मामला चल रहा था कोर्ट में जिसमें ईडब्ल्यूएस वालों ने आरक्षण मांगा था, कहां यहां सीटेट के एग्जाम में, तो वहां कोर्ट ने डिनाई किया है, यानी कि एग्जाम के इस लेवल पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका सीटेट की तैयारी में पेडागोजी वाले पार्ट को मिस नहीं करना है, सारी पेडागोजी मैंने यहां आपको करवा दी है, आप बड़ी आसानी से मेरी वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, बुक्स आप ले सकते हैं, बुक्स का भी लिंक मैंने यहां दिया हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है। देखो, सिलेबस आपको पता है,
चारों पॉइंट, इसके चारों टॉपिक आपको पता है। अब इन चारों टॉपिकों को पढ़ने के बाद आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रहने चाहिए, वो जब तक एग्जाम में रिलीज नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सी टेट के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है और कई बार पेपर क्या होता है, सरल आता है, लेकिन कई बार ऑप्शन उलझाने वाले होते हैं, यानी कि कई बार आप देखेंगे कि ऑप्शन तो बड़े हैं और क्वेश्चन छोटा सा है, तो ये उलझाने वाला क्वेश्चन है, इसको तुरंत आप पहचाने और तुरंत आप सबसे पहले जो फर्स्ट क्लिक में आपको टिक होता है उसको सही कर लें, पेंसिल से निशान लगा दें, चाहे गोले बाद में भर सकते हैं आप, और अगर आपकी स्पीड और फुल कॉन्फिडेंस में आप हैं तो आप गोले हाथ के हाथ भी काले कर सकते हैं, यह आपके लिए एक अच्छी ट्रिक साबित हो सकती है, लेकिन जो भी काम करें आप एग्जामिनेशन हॉल में फुल कॉन्फिडेंस से ही करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, अगर आप चैनल पर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो आप सब्सक्राइब इसे जरूर कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।